नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, आम आदमी पार्टी किसानों की मांगों का समर्थन कर रही है। इसको लेकर प्रदेश सचिव आशुतोष ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि किसानों की जो भी मांगे हैं वह जायज हैं। आम आदमी पार्टी के लोग राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा है कि हास्यास्पद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ किसानों के पक्ष में है तो दूसरी तरफ किसान हितेशी स्वाभिमानत रिपोर्ट और सारी चीजें बातें करती हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो केवल किसान विरोधी काम करती है। चाहे मध्य प्रदेश में मंदसौर का हमला गोली कांड याद कर लें जो भाजपा सरकार के अंतर्गत हुआ, चाहे वह हम वर्तमान में आजादी के बाद सबसे बड़ा जो किसानों का आंदोलन हो रहा है यह भी भाजपा के शासनकाल में हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से दोगली बातें कर रही है और देश की जनता को भ्रमित कर रही है। किस तरह से किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं आप लोग? आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि किसानों की जो भी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व श्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व माननीय पंकज सिंह जी और आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ये मानना है कि किसानों की इन मांगों के लिए हम पूरी तरह से उनके साथ में हैं। इसी तारतम्य में आज देश भर में जो किसानों ने उपवास एक दिवसीय किया हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय इकाई, प्रदेश इकाई एवं आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में प्रत्येक कार्यकर्ता अपने जिला मुख्यालयों में शांतिपूर्ण एक दिवसीय उपवास करके किसानों का समर्थन दे रहे हैं और किसान विरोधी इस बिल का विरोध करते हैं और किसानों की मांगे अविलंब सरकार को माननी चाहिए। हमारा ये मानना है कि हम इस विषय पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, केवल किसानों के साथ उनके समर्थन में खड़े हैं, लेकिन यदि केंद्र सरकार द्वारा किसान की मांगे नहीं मानी गई तो आम आदमी पार्टी इसके लिए पूरी तरह से आंदोलन करने के लिए भी तैयार है और किसानों को न्याय और उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। मुझे यह बेहद ही हास्यास्पद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है तो वो किसान हितैषी स्वामीनाथन रिपोर्ट और सारी चीजें बातें करती है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो केवल किसान विरोधी काम करती है। चाहे मध्य प्रदेश में मंदसौर का हम गोलीकांड याद कर लें जो भाजपा सरकार के अंतर्गत हुआ, चाहे हम वर्तमान में इस आजादी के बाद सबसे बड़ा जो किसानों का इस देश का आंदोलन हुआ है ये भी भाजपा के ही शासनकाल में हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से दोगली बातें कर रही है और देश की जनता को भ्रमित कर रही है, चाहे वह एमएसपी की बात पर हो। एमएसपी यदि आप देना चाहते हैं तो आप लिखित रूप से देने में क्या सरकार को आपत्ति है, केंद्र सरकार को? हमारा ये मानना है कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए, असीमित भंडारण को रद्द किया जाना चाहिए और मंडियों का जो निजीकरण होने की व्यवस्था बनाई जा रही है जिससे हमारा किसान, न केवल किसान, देश का एक एक नागरिक आगे आने वाले समय में अन्न के लिए मोहताज हो जाएगा। ये पूरी तरह से देश विरोधी कानून है और इस कानून का हम पुरजोर विरोध करते हैं। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।